राजस्थान में गाय को कोर्ट के भीतर किया गया पेश, जज ने सुनाया फैसला। क्या आपने कभी सुना है कि गाय को कोर्ट के भीतर पेश किया गया हो? जी हाँ, राजस्थान में गाय पर मालिकाना हक के विवाद के चलते गाय को कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला राजस्थान के जोधपुर के सानिया कोर्ट का है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि तमाम सबूतों के आधार पर गाय का मालिकाना हक ओम प्रकाश को दिया जाए। जहां मालिकाना हक के विवाद में कोर्ट के भीतर गाय को पेश किया गया। दो पक्ष ओम प्रकाश और श्याम सिंह के बीच गाय के मालिकाना हक का विवाद था, जिसके बाद उनके वकीलों ने इस मामले को कोर्ट के भीतर गाय को पेश किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि तमाम सबूतों के आधार पर गाय का मालिकाना हक ओम प्रकाश को दिया जाता है। दरअसल यह मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा था। इससे पहले भी गाय को कोर्ट में पेश किया गया था। पिछले वर्ष जब गाय को कोर्ट परिसर में पेश किया गया था, पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ी में गाय को देखा और दोनों पक्षों की बातें सुनी। दोनों ही पक्षों को गाय के पास खड़ा होने और उसे सलाने घुमाने का मौका दिया। बता दे कि पेशे से श्याम सिंह शिक्षक है और जबकि ओम प्रकाश कांस्टेबल। दोनों के बीच में मालिकाना हक को लेकर पिछले वर्ष से विवाद चल रहा है। इस बाबत मंडोर थाने में मामला दर्ज कराया गया। थाना अधिकारी ने अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब इसका कोई समाधान नहीं निकला तो इस मामले को कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में एक पक्ष का दावा है कि गाय अपनी ही दूध पीती है, जबकि पुष्टि के लिए गौशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, लेकिन इससे भी इस मामले का समाधान नहीं निकला। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।